यूपी के मेरठ में बड़ा हादसा हो गया जिसमें 10 लोगों की मौत हुई और कई लोगों के मलबे में दबे होने की खबर है। जानकारी के मुताबिक मेरठ की जाकिर कॉलोनी क्षेत्र में गली नंबर 6 के पास एक 3 मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया। इसके मलबे में 10 लोगों की दबकर मौत हो गई तो वहीं कई लोगों के मलबे में दबे होने की पूरी संभावना है। अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और राहत बचाव कार्य जारी रहा। फायर विभाग समेत अन्य विभाग राहत कार्य में जुटे लेकिन अंधेरा और साथ ही हल्की हल्की बारिश होने के चलते बचाव और राहत कार्य में समस्या आ रही है। इसके अलावा छोटी गलियां होने की वजह से बड़ी मशीन बचाव और राहत कार्य ठीक से नहीं कर पा रही है। यहां से अन्य लोगों का जमावड़ा लगा है। मेरठ के DM दीपक मीणा का कहना है, घटना शाम करीब 4:30 बजे मेरठ के जाकिर कॉलोनी इलाके में हुई। जैसा कि परिवार और रिश्तेदारों ने बताया, घर के मलबे में 15 लोग फंसे थे। सभी 15 को बाहर निकाला गया, इनमें से 10 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 लोगों को इलाज के लिए भेजा गया और इलाज चल रहा है। इलाके को सील कर दिया गया है और मलबा हटाया जा रहा है। जब तक हमें मलबे में किसी मानव जीवन की संभावना नहीं मिलती तब तक बचाव अभियान जारी रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद मेरठ के लोहिया नगर में बिल्डिंग गिरने के हादसे का संज्ञान लिया और हादसे में घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर जिला प्रशासन के अधिकारियों को उन्हें के समुचित उपचार के निर्देश दिए। इसके साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। ऐसी और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल 100 न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर एक लेटेस्ट न्यूज और वीडियोस आप तक पहुंचती रहे।